नमस्कार। साहस इंसान की बहुत बड़ी विशेषता होती है और बहुत जरूरी विशेषता होती है, क्योंकि अगर साहस होता है तभी आप जिंदगी में कुछ नया कर पाने का प्रयास कर पाते हैं। तो हर हाल में आपको साहसी रहना है, बिल्कुल नहीं डरना है वक्त से, क्योंकि वक्त को साधने का नुस्खा लेकर आज भी हाजिर हैं आपके साथ ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो आपके साथ हैं आपके अपने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी, और हम उनसे बात करने जा रहे हैं आपके आज के दिन के बारे में। तो आप सबको अलग अलग राशि को ज्योतिष गुरु अलग अलग तरह के टिप्स बताएंगे। राशिफल तो जाहिर है अलग होगा ही, टिप्स इसलिए जरूरी है कि टिप्स आपको ये बताएंगे कि आप आज के दिन में क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि ये यकीन मानिए फर्क डालते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके अपने कर्म, और कोई चमत्कार काम नहीं आता। तो आगे बढ़े उससे पहले पंचांग। आज 10 दिसंबर 2019 है और मंगलवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2076 है और शक संवत 1941। मार्गशीर्ष मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। त्रयोदशी तिथि है सुबह 10:44 तक और उसके बाद चतुर्दशी तिथि है। कृतिका नक्षत्र है देर रात 5:57 तक और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं मेष राशि में और चंद्रमा वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 11:18 पर। आज पिशाच मोचनी चतुर्दशी है और कृतिका दीपदान है। आज 10 दिसंबर 2019 को सगाई का मुहूर्त है सुबह 7:03 से सुबह 10:44 तक। मेष और वृषभ, सबसे पहले आपकी बात ज्योतिष गुरु से। मेष राशि वाले ही समझ ले कि रिश्तों में तकरार की स्थिति पैदा होगी तो मुश्किलें बढ़ेंगी और लोग आपके खिलाफ होते चले जाएंगे, इसलिए अपने व्यवहार में ऐसी विनम्रता लानी होगी कि लोग आपको बेहतर तरीके से समझ सके। आप लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं पर फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो आपकी मुश्किलों को थमने नहीं दे रहा। क्या करना चाहिए समय में? उस बेहतर होती हुई तस्वीर की ओर देखें जो आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाह रही है, और उसके लिए हालात आपकी हर तरह से तरफदारी कर रहे हैं। फिर भी संयम बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ताकि अपने लिए सही रास्ता चुना जा सके और लोगों को भी उस रास्ते पर साथ लेकर चला जा सके। क्या ना करें समय में? अपने मन में किसी भी तरह की शक की भावना बिल्कुल ना बनने दें, इसलिए ऐसा ना सोचने चले जाएं कि पीठ पीछे क्या हो रहा है। अपनी क्षमताओं को भी किसी कमी की नज़र से देखना इस समय ठीक नहीं होगा। वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक खुशियां हर तरह से बनी हुई है, पर अभी भी हो सकता है आपके जीवन साथी को इस बात को समझने में थोड़ा सा वक्त लग जाए कि आप लोगों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, पर ऐसे में आपको भी किसी भी तरह की तीव्र प्रतिक्रिया दिखाते चले जाने से बचना होगा। क्या करना चाहिए समय? कभी कभी पीठ पीछे जो होता है वो भी आपके पक्ष में ही बनता चला जाता है, इसलिए हर परिस्थिति को किसी न किसी अच्छाई के रूप से भी देखा जा सकता है। लोगों के प्रति अगर मधुर रवैया अपना लिया जाए तो बहुत सारी मुश्किलें वैसे ही थम जाती हैं। आपको भी अपने अंदर इस समय ऐसी ही सोच बनानी होगी। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे को कहीं फंसाकर आप अपना नुकसान ना करते चले जाएं, और इसलिए ऐसा भी ना सोचें कि पैसा पर्याप्त है, क्योंकि कोई भी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती कि वो किसी भी तरह के नुकसान को झेलती चली जाए। तो आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हर एक को नुकसान से बचने का प्रयास जरूर करते रहना चाहिए और उसके लिए रोज हमारे साथ रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सवाल की तरफ, और सवाल है गुड्डू शाह पूछ रहे हैं। गुड्डू शाह 18/5/1992 कोलकाता में इनका जन्म हुआ है 7:52 सुबह। 2017 में इनका विवाह हुआ था, फिर कुछ बात बन नहीं पाई तो 2019 में ये लोग अलग अलग हो गए, अलग अलग रहने लगे। क्या रिश्ता संभलने का कोई योग बन रहा है, ये आपसे जानना चाहते हैं, और साथ ही नौकरी में प्रमोशन का योग कब तक? गुड्डू, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतरदशा चल रही है राहु की मई 2021 तक। शादी हुई 2017 में और पिछले 2 साल से बहुत अशांति है शादीशुदा जीवन में। आपकी कुंडली कहती है कि आपका व्यवहार भी बहुत सख्त है, आपकी पत्नी का व्यवहार भी बहुत सख्त है, पर फिर भी इस तरह के सवालों के लिए दोनों कुंडलियों का सही आकलन करने की जरूरत होती है ताकि सही रूप से ज्योतिषीय गाइडेंस मिल सके कि क्या करना चाहिए और किस तरह से शादी को संभालना। जहां तक आपने प्रमोशन का सवाल पूछा तो अप्रैल मई 2021 में आपकी प्रमोशन हो सकती है, और शादीशुदा जीवन में अपने व्यवहार को थोड़ा सा धीमा कर लेने की जरूरत है। देखिए, प्रमोशन आपको मिल सकती है अप्रैल मई 2021 में, और पारिवारिक जीवन में दोनों के ही विचार बहुत प्रबल नजर आ रहे हैं, तो थोड़ा सा सामंजस्य बिठाना होगा, थोड़े प्यार से ये रिश्ते चलते हैं। और रही बात सही आकलन की, तो उसके लिए आपको दोनों की डिटेल्स हमें भेजने होंगे ताकि दोनों कुंडलियों के आधार पर और सटीक आकलन आप तक पहुंचाया जा सके। सवाल ऋतिक मंडल का है, 20/4/2000 7:20 रात में इनका जन्म हुआ है मिदनापुर,
करियर के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद क्या कर सकते हैं, क्या इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं बतौर ऑफिसर, ये इनका सपना है। ऋतिक, आपकी कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की, आपकी महादशा चल रही है जी शनि की और अंतरदशा चल रही है राहु की सितंबर 2022 तक। क्या ग्रेजुएशन के बाद फौज का कैरियर बन सकता है, ये आपने सवाल पूछा। कैरियर का इस समय ना पूछ के आपको अपनी पढ़ाई का पूछना चाहिए था, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा रास्ता आपको पढ़ाई में तय करना है और पढ़ाई में मन है नहीं, ऐसा आपकी कुंडली कह रही। और कुंडली ये भी इशारा कर रही है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो फिर कैरियर बनने में भी देरी हो जाएगी। वैसे भी आपका कैरियर अब से कोई 4.5 साल के बाद बनना है, तो फौज के विचार से हटके भी आपको सोचना होगा। पर अहम बात यहाँ पे ये है कि पढ़ाई में मन लगाना। तो 4 साल बाद आपका करियर बन सकता है, अभी आपको पढ़ाई करनी है और सिर्फ फौज के बारे में ही नहीं सोचना है, करियर के बाकी ऑप्शंस लेकर भी आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है। हमें आगे बढ़ना है और मिथुन और कर्क राशि अब आपके बारे में जानना है कि आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। मिथुन राशि वाले ही समझ लें कि हर छोटी बात पर उलझते चले जाना और अपनी मेहनत को कम करते चले जाना गलत ही होता है। अपनी गलतियों का अगर एहसास हो जाए तो समय रहते अपने अंदर कई तरह के बदलाव भी लाए जा सकते हैं, इसलिए ये समय आपसे बहुत कुछ कहना चाह रहा। क्या करना चाहिए समय? कामकाज की स्थिति भी ठीक है और कामकाज को बढ़ावा देने के भी रास्ते खुले हुए, पर आपको इस बात को समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। उस वक्त को लग जाने दें और अपनी स्थिति को इस दौरान और मजबूत करते चले जाएं। हालात हर तरह से आपका साथ निभा रहे हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में? किसी का दिल जीतना आसान होता है, पर इस बात को याद रखें कि ऐसा करते हुए आप अपना कोई और नुकसान न करते चले जाएं, क्योंकि एक चीज का असर दूसरी चीज पर भी पड़ता है। ऐसे में अपनी आर्थिक स्थिति को कमजोर करते चले जाना भी ठीक नहीं। कर्क राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई भरपूर बनी हुई है, फिर भी घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी और तवज्जो बनाए रखने की जरूरत है। काम की अच्छाई भरपूर है, पर रिश्तों को संभालने के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना होगा। क्या करना चाहिए समय में? काम और कारोबार के प्रति आपका समर्पण अच्छा है और इसी वजह से आपका व्यवहार प्रबल होता चला जा रहा है, जिस वजह से विचारों का मतभेद उभर कर आए, इसी बात को भली भांति समझने की और संभाले रखने की भी जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? कामकाज के प्रति आपकी लगन भी है और स्थिरता भी बनी हुई है, उसी स्थिरता को बनाए रखें। किसी बड़े परिवर्तन का विचार बढ़ाकर अपने कामकाज के प्रदर्शन पर कोई बुरा असर बिल्कुल ना आने दें। अपने कामकाज पर बुरा असर मत आने दें, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपके लिए। आगे बढ़ेंगे हम और अब बात करेंगे सिंह और कन्या राशि आपकी। तो आपके लिए कैसा है आज का दिन, क्या करें क्या बिल्कुल ना करें? सिंह राशि वालों के सामने कई तरह की अच्छी संभावना है, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है और उसी अच्छाई का असर आपकी जिंदगी के सुख और सुकून पर पड़ता चला जाए, ऐसा बहुत हद तक संभव है। हर तरह की अच्छाई बनी हुई है जिस ओर आपको ध्यान देना होगा और अपनों की जरूरतों को भी पूरा करना होगा। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज के क्षेत्र में अपने प्रदर्शन को बढ़ाया जा सकता है और उसके लिए कुछ सीखने का मौका भी मिल सकता है। जो कुछ इस समय सीख लेंगे उससे अपने भविष्य को बनाने में आपको मदद जरूर मिलेगी, ऐसे ही अच्छे विचार आपको बनाने होंगे। क्या ना करें इस समय में? हालात आपके लिए हर तरह से सहायक है, पर ऐसा ना सोचते चले जाएं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। किसी भी तरह का अविश्वास अपने मन पर बिल्कुल ना हावी होने दें, भरोसा बनाए रखें और आप देखेंगे कि किसी भी तरह की कमी नहीं। कन्या राशि वालों के लिए काम या कारोबार में किसी भी तरह का परिवर्तन आपके लिए चिंताओं का विषय हो सकता है, इसलिए यथास्थिति बनाए रखने में ही फायदा है। वैसे भी ये समय कुछ ऐसा है जिसमें अपने बढ़ते हुए खर्चों को लगाम देनी होगी। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की बहुत अच्छी भूमिका बनी हुई है आपकी जिंदगी में, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी की खुशियां बरकरार। इस अच्छाई को बनाए रखने के लिए अपने व्यवहार में बहुत सारी विनम्रता लानी होगी और व्यवहारिकता लानी होगी। अपने नजरिए के साथ साथ अपनों के नजरियों को भी समझने की कोशिश करनी होगी, तो ये सुख आपके लिए हर रूप से बना रहेगा। क्या ना करें इस समय में? किसी भी तरह का प्रबल विचार बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी जिंदगी के सुख और सुकून को कम करते चले जाएंगे। अचानक धन लाभ की उम्मीद भी ना लगाएं, क्योंकि ऐसा करने के प्रयास में आप अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाएंगे और इस समय यही ठीक नहीं। देखिए, ये पैसा फंसाने का समय नहीं है, पैसा बचाने का समय है। हमारे लिए सवाल लेने का समय है। अभय कुमार का सवाल, 25/5/1970 फोर्ब्सगंज बिहार में इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय 8:07 सुबह का। प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे हैं सामने। कब तक चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी,
बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन अच्छे नतीजे अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं। कब तक चीजें संभलेंगी? और साथ ही दूसरी जॉब का क्या कोई योग है? अभय, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और मकर राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है सूर्य की फरवरी 2020 तक। जॉब में है पर बहुत सारे उतार चढ़ाव बने रहते हैं, ये आपने कहा। कब तक स्थिरता बन पाएगी कैरियर में, ये आपने सवाल पूछा है। देखिए, 2020 का जो साल है वो आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा ला सकता है, इसलिए अच्छा वर्ष है, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और जहाँ तक जॉब चेंज की आपने बात की कि कोई बेहतर जॉब की ओर बढ़ा जाए, तो ऐसा मौका आपको मिल सकता है दिसंबर 2020 में। करियर के लिए 2020 का साल आपके लिए अच्छा है और जॉब चेंज अगर चाहते हैं तो दिसंबर 2020 में एक अच्छा मौका आपको मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं सुभाष सेजू के सवाल के साथ। 5/1/1998 9:15 सुबह इनका जन्म हुआ है। सुरपुरा खुर्द, भोपालगढ़, जोधपुर। पिछले 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं जॉब के लिए, कब तक जॉब मिल पाएगी? सुभाष, आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी केतु की और अंतरदशा चल रही है मंगल की अप्रैल 2020 तक। पिछले 4-5 साल से मेहनत कर रहे हैं और सवाल ये पूछा है कि जॉब कब लगेगी। देखिए, जॉब आपको मिल सकती है 2021 में, पर अभी जो जॉब मिल रही है या मिलने की कोशिश आप करें तो वो पहले ले लेनी चाहिए। 2021 में बेहतर जॉब मिलने का योग बन सकता है, तो इस तरह से अपने कैरियर को दिशा देने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ एक तरफा जॉब के पीछे भागने से कोई बात बनती नहीं। देखिए, अभी जो जॉब मिल रही है उसे ले लीजिए, फिर 2021 में करियर को सुधारने का एक और अच्छा मौका आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देखते हैं ज्योतिष गुरु क्या दे रहे हैं अपने टिप्स में आपको। तुला राशि वाले समझ लें कि आपके आसपास के लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं और आप उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह से मदद करना चाह रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी इस प्रयास में आपकी मदद करे, ऐसा बहुत हद तक संभव है, पर अपने रोजमर्रा के खर्चों को व्यर्थ में बढ़ाते चले जाने से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? अपनी कोशिशों पर भरोसा करें और आप बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे, पर ऐसा करते हुए किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद से भी बचना होगा। लोग क्या सोचते हैं इस बात को भी अहमियत देनी होगी ताकि उनकी बात से भी आप कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने अंदर कोई ना कोई अच्छा परिवर्तन ला सकें। क्या ना करें समय में, जो भी आपके सामने विकल्प है उन्हें किसी कमी की नज़र से न देखें, क्योंकि हर कदम उठाने से पहले अगर इंसान घबरा जाए तो कदम उठाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसा कुछ ना करें जो आपकी मुश्किलों का कारण बनता चला जाए। वृश्चिक राशि वालों के कामकाज की स्थिति ठीक है और काम से लाभ भी बना हुआ है। ये और बात है कि आप अपने हालात से इस समय संतुष्ट नहीं है। असंतोष का कोई वाजिब कारण हो तो वो बात समझ में आती है, पर जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है कि किसी की भी उम्मीदें कभी भी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए अपने नजरिए को भी बदल लेने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी आर्थिक स्थिति संभली हुई है और आपकी बचत बढ़ रही है, जिसके चलते आप किसी अच्छे निवेश के बारे में भी सोच सकते हैं। हो सकता है इस समय आपके खर्चे कुछ ज्यादा ही बढ़े हुए हों, पर समय के साथ उन बढ़े हुए खर्चों को थामना भी आसान हो जाएगा, जिसके चलते आपकी आर्थिक स्थिति में और इजाफा हो सके। क्या ना करें समय में? कोई बड़ा कदम उठाकर अपने लिए नुकसान की स्थिति बिल्कुल ना बनाएं, पर किसी मतभेद में पड़कर भी अपना नुकसान न करते चले जाएं। इसलिए अपने भटकते हुए विचारों को थोड़ा सा थाम लें ताकि जल्दबाजी में किया गया कोई फैसला आपके नुकसान का कारण ना बन जाए। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है ताकि किसी भी तरह का नुकसान आपको ना हो। अब हमें आगे बढ़ना है धनु और मकर राशि। आपका राशिफल जानना है ज्योतिष गुरु से, फिर आपको बताना है कि आप क्या करें क्या बिल्कुल ना करें। धनु राशि वालों के काम और कारोबार की स्थिति ठीक भी है, पर कई तरह के परिवर्तन दिखा रही है, पर उस परिवर्तन में आपके लिए छुपे हुए दबाव हो सकते हैं जिनका भली भांति आंकलन करने की जरूरत है। वैसे भी तेजी से बदलता हुआ समय है, जिसे बीत जाने देना ही बेहतर है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी अच्छाई हर रूप से बनी हुई है, पर फिलहाल लोग उसे समझने में असमर्थ है, इसलिए उनके विचार आपके विचारों से भिन्न हो सकते हैं। कामकाज के क्षेत्र में भी इसी बात का बुरा असर पड़ सकता है, जिसे थामे रखने की जरूरत है। क्या न करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को बढ़ावा देने के प्रयास में आप कोई गलती न कर जाएं, इसलिए किसी ऐसी पुरानी बात को न कुरेदें जो आपके अहम को दर्शाए। पुरानी बातों को भुलाकर अपनी विनम्रता बनाए रखें ताकि आपसे कोई गलती न होती चली जाए। मकर राशि वालों के लिए भाग्यशाली रूप से आपकी आर्थिक स्थिति में इजाफा हो सकता है, पर इस समय की परेशानी कुछ और ही है। उस लाभ को बचाए रखना बहुत मुश्किल हो सकता है जो इस समय बन रहा है, क्योंकि काम और कारोबार की जरूरतें भी कुछ अजीब तरीके से बढ़ती चली जा रही।
क्या करना चाहिए समूह में, चाहे पैसे से जुड़े फैसले हों या कामकाज से जुड़े फैसले हों। बहुत सारा संयम और बहुत सारी स्थिरता बनाए रखनी होगी, क्योंकि किसी भी दबाव भरे दौर में गलती हो जाने का अंदेशा होता है, इसलिए गलतियों से बचकर निकल जाना ही जरूरी होगा। क्या ना करें समूह में, अपनों से जो भी सलाह मिल रही है उसे नज़रअंदाज न करें। जिंदगी में अपने सपने पूरे करना अच्छी बात है, पर अपनों की इच्छाओं का मान रखना भी बहुत जरूरी है। किसी भी वजह से अपनों से दूरियां बनाते चले जाना भी ठीक नहीं। कुंभ राशि वाले ही समझ लें कि लोग आपकी हर तरह से सहायता करना चाह रहे हैं, जिसके चलते आपके काम या कारोबार में इजाफा हो सके। किसी प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के सपने भी आपके मन में हैं, जिन्हें पूरा किया जा सकता है। क्या करना चाहिए समूह में, किसी दोस्ती को आप नई नज़र से देखना चाह रहे हैं और उसे अपनी जिंदगी का स्थायी हिस्सा भी बनाना चाह रहे हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही बना हुआ है, जिसके चलते आपकी जिंदगी का सुख और सुकून बना रहे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस समय में, कामकाज के क्षेत्र में किसी भी तरह की अनबन न पैदा होने दें, इसलिए अपने मन को इतना भी ना भटकाएं कि आपसी रंजिशें उभर आएं। किसी भी तरह का अहमवादी रवैया अपनाना इस समय ठीक नहीं होगा। मीन राशि वालों को हर बात बहुत सहनशीलता से कहनी होगी, ताकि रिश्ते भी संभले रहे। ये समय ही ऐसा है जो किसी न किसी तरह के मतभेद की स्थिति पैदा कर सकता है और आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। किसी प्यार के रिश्ते पर भी आपके गलत होते हुए रवैये का असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में, कामकाज की स्थिति ठीक है, जिस ओर आपको ध्यान देना है, पर साथ ही साथ अपनी चुनौतियों को अपनी लगन से पूरा करने की भी कोशिश करनी है। ऐसे में फिलहाल किसी भी तरह के बदलाव से बचकर निकल जाना ही बेहतर है। क्या ना करें इस समय में, तकदीर को आजमाने के प्रयास में अपने लिए कोई खतरा न मोल लें। मुश्किलें सिर्फ रिश्तों में ही नहीं पैदा हो सकती, बल्कि पैसे को संभालने में भी पैदा हो सकती हैं, इसलिए अपने व्यवहार में किसी भी तरह की तेजी लाते चले जाना भी ठीक नहीं। व्यवहार को थोड़ा सा नम्र, थोड़ा सा शांत बनाइए, बहुत तेजी से काम नहीं चलता जिंदगी में। सवाल लेंगे नीलेश कुमार श्रवण कुमार गुलवानी का। सवाल है 18/5/2000, बर्थ टाइम है 10 बजे सुबह का, रायपुर में इनका जन्म हुआ है, CA की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में इनको अभी असफलता मिली है, फिर से इनको अपियर होना है, अभी टाइम चल ही रहा है। कब तक क्लियर कर पाएंगे और क्या इसके अलावा भी कुछ सोचें CA के अलावा? नीलेश, आपकी कुंडली है जी धनु लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी बुध की और अंतरदशा चल रही है चंद्रमा की सितंबर 2020 तक। CA इंटर में आप फेल हो चुके हैं और अब मन में बहुत उथल पुथल है कि क्या ये रास्ता सही है, क्या आपको CA करना चाहिए, कुछ और सोचना चाहिए। कुछ भी करना होगा तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और पढ़ाई में कमी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। वैसे अगर आप इस तरह की गाइडेंस चाहें कि भी कैसे आपका कैरियर बन सकता है बेहतर तरीके से, या इस समय आपकी कुंडली किस तरफ इशारा कर रही है, तो मैं यही कहूँगा कि CA के बदले आपको या तो BBA करनी चाहिए या लॉ करनी चाहिए, ताकि आप अपना कैरियर आसानी से बना सकें। देखिए, अगर आपको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो जो ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है कुंडली को देखते हुए, वो BBA है, लॉ है, ये करियर ऑप्शन आपके लिए अच्छे हो सकते हैं। आगे हम बढ़ेंगे और अब जानेंगे कि जैकपॉट में किसका नाम खुल रहा है आज। मेष राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि आप क्या सोचते हैं अच्छी बात, पर कभी कभी ये जरूरी हो जाता है कि लोग क्या सोचते हैं, और इंसान को अपने अंदर उस तरह के बदलाव लाने की जरूरत पड़ सकती है। मनन करने से ही ये सब कुछ समझ में आएगा कि आपको रिश्तों के प्रति किस तरह की अच्छाई बनानी है। तो फिलहाल दीजिए इजाजत और साहस मत खोने दीजिएगा अपने अंदर से, क्योंकि साहस ही वो गुण है जो जिंदगी की हर नई परिस्थिति को जीने का, चैलेंजेस को फेस करने का और जिंदगी में कुछ हासिल करने का जज्बा आपके अंदर भरता है। तो आप यूं ही साहसी बने रहेंगे, इसके लिए हम भी आपके साथ बने रहेंगे। और हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, जिस पर आप भेज सकते हैं अपना कोई भी सवाल, aapketare@aajtak.com। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।